नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी के कट ऑफ का एनालिसिस। हमारा जो मेथड है 100% ऑथेंटिकेट मेथड है, उससे हम एनालिसिस करेंगे। एवरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी और हम क्यों कह रहे हैं कि कट ऑफ आपकी, अगर जो भी हम बताएंगे वो क्यों रहने वाली है, आप खुद उस पर बिलीव करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ आखिर तक वीडियो के, और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर हम एनालिसिस करें किसी भी कट ऑफ का, तो आपको जो जानकारियां होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 5,300 वैकेंसी पीआरटी की थी इस बार, और इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 15,900। तो अब जो आपकी वैकेंसी मान लेते हैं, इंटरव्यू के लिए जब एग्जाम आप क्लियर करोगे तो उसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो ये वैकेंसी डिसाइड करेगी, 15,900। अब स्टूडेंट अपियर कितने हुए दोस्तों, काफी जबरदस्त वाला एब्सेंस रहा था। 55 to 60% कैंडिडेट प्रेजेंट थे, लेकिन कोई ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक इस बारे में नहीं आया है, लेकिन तकरीबन कह रहे हैं कि 17 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे एग्जाम के अंदर, जो कि बहुत ही जबरदस्त वाला आंकड़ा बनता है। अब अगर 15,900 को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 17 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंपटीशन आपका 112 स्टूडेंट्स पर सीट है। तो आपको यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि कंपटीशन है वो काफी हाई है। अब जो बात रहेगी वो रहेगी कि आपका एग्जाम कैसा आया, एग्जाम का पैटर्न क्या था, और एवरेज अटेम्प्टेशन क्या रहे हैं। तो बात कर लेते हैं आपके पहले पार्ट की, ठीक है। पहला पार्ट दोस्तों, मैं इसको आपके पार्ट को मॉडरेट की श्रेणी में रखता हूं, और हिंदी के जो आपके हैं 10 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के थे। तो हिंदी में किसी ने 7 अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट 7 किए होंगे अच्छे से, एक अच्छा किसी ने अटेम्प्ट किया है, तो 7 के आसपास आप नंबर लेके जा सकते हो, और इंग्लिश में आप 6 से 7 के आसपास नंबर लेके जा सकते हो। तो ये मैं जो आपका एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट और कुछ हद तक इजी था। अगर एक केवीएस का एवरेज स्टूडेंट है जिसने तैयारी भी की है, तो उसके अटेम्प्टेशन ये रहेंगे, तो यानी 13 मार्क्स आप यहां से अपने लेकर जा सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट टू की। तो पार्ट टू आपका आता है दोस्तों रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और जनरल अफेयर्स, साथ में पेडागोजी। आप सभी को मालूम है 10 नंबर की रीजनिंग थी, कंप्यूटर 10 का था, सी और जी 10 नंबर के थे, और पेडागोजी आपकी 20 नंबर की थी, यानी ये टोटल 50 है। और 50 में से जो केवीएस का अच्छा स्टूडेंट था, जिसने तैयारी अच्छी की थी, रीजनिंग जो थी आपकी इजी टू मॉडरेट मैं मान सकता हूँ, और 7 अटेम्प्ट तो हर किसी के हुए होंगे, 7 नंबर वो लेकर आ सकता है। कंप्यूटर थोड़ी सी लैंग्वेज काफी टफ दी थी, और थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, तो किसी ने अगर क्वेश्चन किए हैं तो 5 का स्कोर मैं उसको देकर चल रहा हूं। हम इसमें बात ध्यान रखने वाली है कि टाइम की बाउंडेशन भी थी, आपको एक लिमिटेड टाइम में एग्जाम भी पूरा करना था। जी और सी एक काफी सुपर वाला जी और सी आया था आपका, जनरल अवेयरनेस, और कुछ थोड़े आसान थे जैसे फसलों के बारे में पूछ लिया, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन था। और यहाँ पर जो आपको 5 नंबर है, ये 6 में भी मैं आपको दे सकता हूँ, 5 या 6 के आसपास आपका स्कोर इस पार्ट में रहेगा। पेडागोजी का सेक्शन दोस्तों काफी लेंथी था, और डीप सेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे से तैयारी किए हुए किसी भी स्टूडेंट के लिए ये रहने वाला है 12 से 13 नंबर के आसपास आपका जो सेक्शन है। तो ये आप यहाँ से 13 नंबर पहले पार्ट से लेकर आते हो, और यहाँ पर जो आपका टोटल बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है 30 नंबर का। तो फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के फर्स्ट पार्ट से आपको टोटल 43-45 के अराउंड में आपको नंबर देके चलता हूँ, एक हाईएस्ट ओपिनियन के तहत, यानी इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई अटेम्प्ट नहीं होगा, किसी के शायद ही नंबर बने, एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं। ये आपका एक एनालिसिस हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 के फर्स्ट पार्ट के बारे में कहते हैं। अब पार्ट जो सेकंड था, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बात करते हैं दोस्तों, हिंदी आपकी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 की थी, करंट अफेयर में एसएसटी और जीए का पोर्शन 20 नंबर का था, 20 क्वेश्चन थे, मैथ 20 और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये 20 नंबर के थे। यहाँ पर आपको बता दूं फिजिक्स ने काफी हद तक आपको डोमिनेट किया, और मैथ मैथ भी सुपर था, यानी आप कह लें कि एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा रहे थे, एक कोई भी आसान लेवल का तो मैं नहीं कहूंगा। हिंदी और इंग्लिश फिर मैं आपको इजी टू मॉडरेट कहूंगा, तो 7-7 अटेम्प्ट सभी के बनते हैं, फेयर है उनको नंबर देना, साथ साथ
एसएसटी और जीए जो सीए का पार्ट था उसमें आपको मैं 50% ही चांस देता हूँ, बिकॉज मॉडरेट क्वेश्चन थे और एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहे। और जब मैथ की बात करते हैं दोस्तों, ये तो बिल्कुल सुपर सुपर पार्ट था मैथ का। आपसे टाइम लेकर क्वेश्चन होने वाले थे, टाइम कंज्यूमिंग था, और जो जहां एग्जामिनेशन हॉल का माहौल होता है उसमें इतना टाइम कंज्यूम होता है, तो थोड़ा सा साइको अंदर से हिलता है और एक अच्छा स्टूडेंट 9 नंबर क्रॉस कर जाएगा, 9 से 10 के आसपास। मैं यहां पर आपको नंबर देता हूं, ये स्कोर आपका कुछ नहीं कुछ ठीक आ रहा होगा, मैथ थोड़ा सा कम तो 9, और किसी को ज्यादा अच्छा आ रहा है तो 12 के आसपास भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो ये मेरे ख्याल से 9-10 के आसपास ही सारा मामला रह जाएगा मैथ का। और साइंस में फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल थे दोस्तों, जबरदस्त जबरदस्त फिजिक्स डोमिनेट था, 8 से 10 के आसपास न्यूमेरिकल का पोर्शन था, और जो जिस तरह से केवीएस ने सेट किया है, हेड्स ऑफ देम, बहुत ही यानी अच्छी वो पर्क लेने वाले हैं इस बार, हर जो केवीएस में एग्जाम क्लियर करेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपके आउट ऑफ 20, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो में आपको चांस दे सकता हूं, तो 10 नंबर यहां से आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस कहता है, तो टोटल जो नंबर बनते हैं दोस्तों 43, वहां से आप कैरी आउट करके लाते हो, और 7 7 14, 10 24 और 10 9 33 और 10 यानी 43, ये टोटल आपका स्कोर बनता है 86 के आसपास। इसमें मैं आपको मैथ वाले पोर्शन में कोई अच्छे स्टूडेंट को थोड़ा सा मार्जिन देके चलता हूं, तो आप मानकर चलिए जो कट ऑफ है वो हमारी 85 प्लस तो जाने वाली है, 85 के आसपास प्लस ही रहने वाली है। और हमारा जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो क्या कह रहा है उसके लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए आपको बताता हूं। जनरल के स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली 88 के आसपास, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, 88 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, तो डेफिनेटली तैयारी शुरू कर दीजिए आप इंटरव्यू के लिए। आपको नहीं रोक सकता कोई इंटरव्यू में बैठने के लिए, अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें। और टाइमिंग यही रहा है कि ओबीसी कट ऑफ जो नेक टू नेक रहती है जनरल और ओबीसी, तो 88 का भी मैं यहाँ आपको चांस दे रहा हूँ। उसमें एससी के स्टूडेंट थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और 82 के आसपास खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं, और एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो खुद को 80 नंबर के आसपास सेफ महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी आप कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट आप 88 मार्क्स में बिल्कुल सेफ हैं, ओबीसी भी 88 में सेफ रहेंगे, एससी के जो कैंडिडेट हैं वो 82 में सेफ रहेंगे, और एससी के कैंडिडेट 82 में, एसटी के 80 में सेफ रहने वाले हैं। तो ये जो बात है, अब वैकेंसी इतनी क्यों रहेगी, कुछ थोड़े से आपको फिगर आउट करने की भी जरूरत है भी क्या ऐसा चीज है। अभी कुछ स्टूडेंट देखो सी टेट का एग्जाम था, उनका कोई टेट वगैरह क्लियर फाइल नहीं हुआ, और जो अभी एग्जाम हुआ है उसके बेस पे उन्होंने भी अप्लाई किया होगा। सो मानो कि अगर सी टेट में कुछ कैंडिडेट पास नहीं हो पाते हैं और केवीएस में पास हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर रह जाएगा, उस केवीएस से एलिजिबल नहीं होंगे, वो बाहर आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा इस कट ऑफ को कंपटीशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे। तो अगर नीचे की तरफ गई आपकी कट ऑफ, तो यहाँ पर आपकी नंबर का मार्जिन 85 85 80 और 77 ये लेके चल सकते हैं। लेकिन 88 अगर आप जनरल में हैं और 88 स्कोर है तो बिल्कुल सेफ है, और इसी के साथ एससी का 82, एसटी का 80 और ओबीसी का 88, ये डेफिनेटली इससे पार जिसके भी स्कोर हैं वो तैयारी करें अच्छे से। उनको इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। आप अपना एनालिसिस कर ले, आकलन कर ले एग्जाम का, और फिर वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपका स्कोर अगर इसके अंदर आ रहा है इस कट ऑफ में, तो आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है नए साल में जी जरूर। और अगर पहली बार सब्सक्राइब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।